सो गाइज, आप बहुत लोग वरना वाला जो वीडियो था रॉयल कार वॉश का, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखा है। एंड सीरियसली, मैंने तो वीडियो में एक्सप्लेन किया था मेरा हैप्पीनेस, तो तुम लोग मतलब मेरा एक्सप्रेशन से जज कर रहे थे। सो बेसिकली क्या हुआ कि वरना का तो काम कंप्लीट हो गया एंड उसका बाकी काम भी चल रहा है। सो क्या हुआ था कि मेरा बाइक जब मेरा R3 जब कस्टम पेंट हुआ था, हाँ पता है मुझे, उसका वीडियो अभी तक नहीं डालूंगा मैं। सो अनफॉर्चुनेटली लास्ट दिन क्या हुआ था कि जो मतलब जब फाइनल पॉलिशिंग होता है, क्लियर कोट के ऊपर से जो फाइनल पॉलिशिंग होता है, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया था। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट टोटली सेटिस्फाइड विद द पेंट। एक्चुअली नो डाउट द पेंट इज जस्ट ब्रूटली अमेजिंग, मैं अभी दिखाऊंगा। मतलब वो क्या होता है, ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा फेडेड, थोड़ा ब्लर जैसा लगता है, वरना का जैसा उतना भी नहीं, लेकिन रहता है। सो फाइनली एक हफ्ते बाद आज मैं फ्री था। सो बेसिकली मैंने आज लाया अपने रेक्सा को दोबारा रॉयल कार वॉश पे, वहाँ पे खड़ा है, शी इज गेटिंग पैम्पर्ड राइट नाउ। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिकॉज मेरे को पता नहीं कि प्लास्टिक पार्ट्स में कोई इफेक्ट होगा कि नहीं, बट आई होप कि दैट आई विल बी सेटिस्फाइड दिस टाइम टू। सो बेसिकली आज मेरा बाइक वॉश होगा यहाँ पे, एंड देन इसका भी पॉलिशिंग होगा। सो इसका भी मैंने सोचा कि जब आया हूँ तो एक छोटा सा और एक एक्सपीरियंस का वीडियो मैं दोबारा आप सबसे शेयर कर ही देता हूँ। और जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। एंड डिस्काउंट भी है एक, ओके एक बार देखो ये पीछे भैया दोबारा, एंड डिस्काउंट ले लेना यार, रेफरेंस लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आना, डू विजिट सीरियसली। चलो मैं सामने से एक बार दिखाता हूँ। सो ये रहा रिक्शा, और गाइज एक बार नंबर प्लेट देख लो, ठीक है? ये जेल प्लेट दोबारा मैंने ऑर्डर किया अपने वरना के लिए। सो दिस टाइम दिस इज बीइंग अ बिट डिफरेंट वन, ठीक है? सो जेल प्लेट आएगा वरना के लिए भी, सामने पीछे दोनों के लिए। और एक चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया, एंड वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइंड सिराज खान, ही ऑल्सो ओन्स एन R3, अभी ट्रैम्प लिया है भाई ने, टाइगर 900। सो उसी से वीडियो बनाता है। सो रिक्शा को पहले तो अभी वॉशिंग हो गया है, तो चलो इसका भी पेंट उतना भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक बार मैं फ्लैश ऑन करके दिखता हूँ, समझ में आएगा तो नहीं, उतना भी समझ में नहीं आएगा, बट एक बार इसका जस्ट पॉलिशिंग हो जाए उसके बाद क्या लगेगी यार। और इसका विंडस्क्रीन ऑर्डर दिया, मैं जो बोल रहा था, इसका मैंने विंडस्क्रीन ऑर्डर दिया, एंड दैट इज़ अ वेरी सुपर रेयर विंडस्क्रीन, डबल बबल विंडस्क्रीन है। आने दो, उसके बाद अनबॉक्सिंग दिखाएंगे एंड तभी। तो चलो एक बार एक झलक इसका दिखाता हूँ। तो चलो एक बार इसको लेट्स क्रैंक करा। फाइनली अब फोमिंग स्टार्ट होगा, चलो लेट्स सी। ओहो, अरे गजब, कौन सा कलर है ये? इटा ब्लू मना अच्छा? ब्लू ना, शाम का वक्त है ना, तो ब्लू ना पूरा ग्रीन उतना समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई। वाह, लुक्स ब्यूटीफुल भाई, फोम का क्वालिटी देख रहे हो, कोई नॉर्मल शैम्पू या फिर नॉन कार वॉश वाला जो शैम्पू रहता है, जनरल शैम्पू, उससे ऐसा नहीं होता। हाँ, सो उससे क्या होता है, उसमें ऐसा फोम नहीं होता, इतना जो थिक फोम आप लोग देख रहे हो पूरा बॉडी से चिपक के, ये फोम आप सबको कभी नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस दी लाइक मतलब जहाँ पे आप लोग वॉश कर रहे हो, दी सर्विस प्रोवाइडर इज लाइक प्रोवाइडिंग अ रियली गुड काइंड ऑफ कार शैम्पू, तब तक आपको ऐसा फिनिशिंग कम से कम फोम में नहीं आएगा। वाओ, बहुत अच्छा लगता है खुद के, मतलब जो जिसे मैं प्यार करता हूँ उसको पैम्पर होते हुए देखते। एक छोटा सा सीन हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग बीच में कट किया है, उसका रीज़न ये है कि पीछे का जो फोमिंग का जो एयर का पाइप रहता है ना, वो पाइप गलती से खुल गया, मतलब वो टाइट करना भूल गया था भैया, तो उसमें क्या हुआ कि नीचे देखो फोम गिर गया। सो अब क्या होगा, तो वो फोम तो गिर गया, अब ये दूसरा कलर में अप्लाई करेगा। सो इसका तो तुम्हारा 50% ये हो गया, तो चलो देखते हैं एक बार, मतलब एक आई कैची थंबनेल के लिए मैंने भैया को बोला कि जब चलो गिर ही गया तो दूसरा कलर का फोम यूज करो, लेट्स सी हाउ डज इट लुक। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो, अरे गजब, इसको ना देख के वो मफिन मफिन टाइप का फीलिंग आ रहा मेरे को, कप केक जैसा, ये बेबी पिंक और ब्लू कलर में, क्या स्वीट लग रहा है, लग रहा है देखते। अच्छा, तो और एक चीज़ देखो, अभी एक ऑल्टो का पूरा ट्रीटमेंट हुआ, तो पीछे शायद वो अंकल का है, तो मैं उनसे एक बार जाके पूछता हूँ कि कैसा था सर्विस। तो चलो लेट्स सी, खतरा चक चक करा, एक बार पूछता है। देखो रिक्शा आ रहा है बाहर,
सूरज चमक रहा है, आहा। अब इसको ड्राई होने के बाद फिर इसका पॉलिशिंग होगा। वाओ, फाइनली फाइनली। सो काकू तुम्हारे वीडियो देख तो निच्छी। सो आज के की होलो तुम्हारे कारे बेंगली तो बोलो। हाँ बांग्ला तो बोलो ना, कोनो असुविधा नहीं। आई जस्ट एमनी एकटा कस्टमर रिव्यू निच्छी। আমি অনেক দূর থেকে এখানে ওয়াশ করতে আসি। আমার এক সিনিয়র কলিগ রয়্যাল কার ওয়াশে রেকমেন্ড করেছিল আমার কাছে। আচ্ছা, আমি প্রথম থেকে আমার এক বছরের গাড়ি হতে চললো, পাঁচবার থেকে ছবার করেছি, এখানেই করেছি, অন্য কোথাও করি না। সার্ভিস কিন্তু নো ডাউট ভালো লাগে। বারণ করে দিয়েছি যে আমার মানে একজনের মেন্টর ছিল গাড়ির ব্যাপারে। আচ্ছা, সে আমাকে বারণ করে দিয়েছে রয়্যাল কার ওয়াশ জুবিলির ওপারে আছে, ওখানেই যেতে, এখানেই আসছি, আমি পাঁচ ছবার এখানেই এসেছি, অন্য কোথাও যাইনি। না ওই একবার স্যাটিসফ্যাকশন, এই খাবার আর মানে এই গাড়ির যে জিনিসটা থাকে, এই জিনিসটা যদি একবার কোথাও স্যাটিসফাই হয়ে যায়, শিফট করা যায় না ইজিলি। তো অল থ্যাংকস টু অরিজিৎ দা, তাহলে চুপচাপ বসে আছে। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর। সিরিয়াসলি মানে আমার অনেক ভিউয়ার্সও আছে এখানে, আমাকে যেটা ইনস্টাগ্রামে ভাইরা বললো, অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি স্যাটিসফাইড উইথ ইয়র ওয়ার্ক। দেখো ওয়াপে ওয়াইপিং হো রা পেডক মে লাগা কে, अब इसका पॉलिशिंग होगा। आई एम एक्साइटेड वंस अगेन, वरना से ज़्यादा मैं इसमें एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये तो भाई समझ रहे हो, तुम लोग भी जानते हो ये मैंने कैसे लिया है। तो तुम लोग एक चीज़ देखो, पेंट में पेंट इज़ क्लियर, बट तुमको हल्का सा ब्लरी इफेक्ट देखने मिलेगा। जब तक मैं मोबाइल का फ्लैश ना ऑन करूँ, तब तक आपको पेंट का जो एक्चुअल मतलब ग्लो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम द साइड, कुछ ऐसा है। अभी टैंक का ग्लॉस भी दिखा देता हूँ कि कितना है। हाँ, ग्लॉसी है, लेकिन थोड़ा देखो हल्का हल्का ब्लर है, देख रहे हो, जैसे कि मैंने लास्ट दिन दिखाया था फिंगर्स के साथ। देखो, सो ये पार्ट पॉलिश होगा, ये सब पार्ट भी होगा, देखते हैं लाइक व्हाट्स द आउटपुट। देखो ये सब भी इम्प्रूव होगा, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो अब यहाँ पे दिल में लग गया इस जगह में थोड़ा सा। एनीवेज, सो टूरिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है, एंड दैट शिटी प्लेस इन बनारस, ठीक है उसका चलते, मतलब बनारस इज नॉट अ शिटी प्लेस, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट वो होटल का जो स्टाफ है, ठीक है, उसका चलते मेरा टैंक में, मेरा फेयरिंग में एक दो स्क्रैच आ गया, एंड उसको मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। दिस वन ऑल्सो इज कॉज बाय हिम, दैट इडियट। सो चलो कोई नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कितना हद तक शाइन रिस्टोर कर पाते हैं इसका। गाइस वंस मोर 3M का फिनिश इट, so my bike is covered up with 3M finish it, almost dry भी हो चुका है, powdered। अब ज़्यादा देर रखने से paint dull हो जाता है उल्टा, तो चलो अब इसका buffing और machine polishing start होता है, ठीक है। I mean पहले buffing होगा rubbing polish का, and उसके बाद जो final luster के लिए जो ये चढ़ता है coating wax का, वो चढ़ेगा। so let's see like how is the output। गाइस रबिंग डालने के बाद अभी ये 3M क्रीम वैक्स यूज हो रहा है इसके ऊपर। चलो इसको, इसके लिए भी 15 मिनट वेट करते हैं, और भाई नीचे मेरे अलॉय को थोड़ा सा चमका दे रहा है, बाकी इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं फॉर द 3M टू ड्राई अप और मस्त एक लस्टर देता है। 3M इज़ गुड यू नो, लेकिन मेरा इस बार पेंटिंग में एक मिस्टेक हो गया। आई शुड हैव पेंटेड दिस वन, मतलब इन दोनों का बीच वाला जो शेड था इसमें देना चाहिए था, और ये इसमें इसको ग्लॉस ब्लैक में करना चाहिए था, वो मैंने गलती कर दिया। चलो नेक्स्ट टाइम जब पेंट करवाएंगे सो शायद नहीं होगा, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस फाइनली माय रेक्सा इज रेडी, शाइनिंग वंस अगेन। वो जस्ट देखो, एक सेकेंड, अब समझ में आया ना, जस्ट सी, सामने लेके जाने दो तब समझ में आएगा। द बॉल फ्लेक्स आर बैक, थोड़ा सा डार्क शेड में करता हूँ तब समझ में आएगा आप सबको। ब्यूटीफुल,
टेक्सचर, हाँ एवरीथिंग इज बैक, टायर्स पिच ब्लैक और एकदम ये सब बहुत स्मूथ, वाह लवली। रेडी हो गया, अब मैं लेके इसको निकलता हूँ और कुछ दिन के लिए ढक दूंगा बिकॉज नेक्स्ट राइड के लिए इसको तैयारी करना पड़ेगा। सो वंस अगेन मैं उस प्लेस में, उस पर्टिकुलर प्लेस में मैं भूलना भूल गया, टेक माई रेफरेंस और माई चैनल रेफरेंस फॉर 20% डिस्काउंट ऑन एनी सर्विस दैट यू आर गोइंग टू अवेल। भैया को बोलो कि आप वीडियो देख के आए हो, सो यू विल बी प्रोवाइडेड 20% डिस्काउंट। सो ऑफर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिडिटी है, ऑब्वियसली भाई लिमिटेड पीरियड ही होगा ना। सो इसको यूज़ करो एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज विल बी सेटिस्फाइड एंड यू गाइज विल लव द वर्क एंड बिग चीयर्स टू रॉयल कार वॉश। थैंक यू फॉर पैम्परिंग माई कार एंड माई बाइक एंड सीरियसली आई जस्ट लव योर सर्विसेज। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।